नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली रेसिपी एंड गार्डनिंग में स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग दिखाने वाली हूँ। ये मैंने एक फ्लिपकार्ट से सूट मंगवाया हुआ है। ये इसकी कमीज़ का कपड़ा है और ये इसका प्लाजो का कपड़ा है। 2 मीटर कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। इसी 2 मीटर कपड़े से हम प्लाजो बनाने वाले हैं। जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्लाजो बनाना शुरू करते हैं। प्लाजो के कपड़े को पहले डबल फोल्ड किया है। अब प्लाजो में कमर और हिप के हिसाब से फोल्ड करेंगे। या आपको प्लाजो की ज़्यादा मूरी रखनी है तो आप उसे पूरा फोल्ड कर लीजिए। अब प्लाजो की तैयार लंबाई में 2 इंच बेल्ट के लिए और 1.5 इंच नीचे मूरी के लिए लंबाई लेंगे। अब प्लाजो की कमर लेनी है। कमर में आप जितनी आपकी कमर है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखिए। अब प्लाजो का आसन लेना है। आसन मैंने 14 इंच लिया है। ये 14 इंच आसन है। अब प्लाजो की हिप लेंगे। जितनी आपकी हिप है उसमें आप 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखिए। अब प्लाजो की मूरी लेंगे। प्लाजो की मूरी आप अपने हिसाब से लीजिए। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। मूरी से आप आसन तक मिलाइए और इसे कटिंग करिए। ये बिल्कुल सिंपल प्लाजो की कटिंग आपको मैं बता रही हूँ। ऐसे करके इसे कट करिए और इसके आसनों को जोड़िए। ये जो मैं दिखा रही हूँ इसके आसनों को जोड़िए। तो चलिए अब इसको सिलना शुरू करते हैं। इसी तरह से मैंने इसके दोनों आसनों में सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इसकी नीचे मोरियों में भी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे फोल्ड कर लें। जितनी हमारी कमर है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें और इलास्टिक को जोड़ लें। इलास्टिक को ऐसे जोड़ना है। अब प्लाजो में इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक में आपको बहुत सिंपल तरीके से लगाना बताती हूँ। आप ऐसे करके इलास्टिक को रखिए और इसको फोल्ड करते जाएं। आप इसी तरह से कपड़े में चुन्नट आगे आगे करते जाएं और इससे आसानी से इलास्टिक लगती जाएगी। मुझे इलास्टिक लगाने का ये तरीका सबसे अच्छा लगता है। इससे बहुत आसानी से और अच्छे से इलास्टिक लगती है। अब इसे तो सेट कर लीजिए और इसके बीच में इसको खींचकर 1 या 2 सिलाई इसमें और लगाइए। मेरी इलास्टिक लग चुकी है। अब इसको जोड़ेंगे। इस सिंपल प्लाजो को बनाने में 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।